हेलो साथियों, ताज स्टडी के टेस्ट क्विज 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। इस टेस्ट क्विज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, जीके, जीएस से संबंधित 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके पास आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय होगा। उसके बाद सही आंसर हाईलाइट हो जाएगा, इसलिए आप सभी टाइमर के 10 सेकंड खत्म होने से पहले अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस क्विज के माध्यम से आप सभी अपना तैयारी चेक कर सकते हो, आपका रिविजन भी हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं टेस्ट क्विज। क्वेश्चन 1, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी पूर्व पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या डी मध्य पाषाण काल। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आए तथा बागोर ये भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मुहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग जिसे दीवान ए कोही या अमीर ए कोही कहा जाता है उसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी, ये कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड डलहौजी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, 1869 से 1872 तक भारत के गवर्नर रहे, के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। किंतु अगर बात करें नियमित जनगणना की तो यह 1881 ईस्वी से शुरू हुई और उस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे भारत के। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी 1872 ईस्वी में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, और तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। नेक्स्ट जनगणना 2021 में होगी, इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, बी दल बदल कानून से, सी भूमि सुधार से, डी संघ सूची से। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बी दल बदल कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। तो दस मतलब दल बदल, दस से दस दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, बी जगजीवन राम, सी भीमराव अम्बेडकर या डी जस्टिस कृष्ण अय्यर। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बलवंत राय मेहता। साथियों, अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के गठन से संबंधित है। और 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय 3 स्तर पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश भी ऐसी व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर
पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन किया है, तो यानी कि प्रथम राज्य राजस्थान हो गया, और आजकल एग्जाम में दूसरा राज्य पूछा जा रहा है, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था पंचायती राज लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में कौन सी तरंगे प्रयोग में लाई जाती हैं? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, बी एक्स किरण, सी औरत किरण, या डी पराशव्य तरंग। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है एक्स किरण। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कम्यूटेटेड टोमोग्राफी। यह विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों को पता लगाया जाता है, तो इसमें एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिन्दुकता किससे संबंधित बीमारी है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है अभिन्दुकता किससे संबंधित बीमारी है। ऑप्शन ए नाक से, बी कानों से, सी आंखों से, या डी गले से संबंधित बीमारी है। आपका समय शुरू होता है। सही आंसर है आंखों से। अभिन्दुकता आंखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृष्टि में कमी आ जाती है और वह ठीक ढंग से ऊपर नीचे एवं दाएं बाएं की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंख के अन्य बीमारियों में निकट दृष्टि दोष में रोगी दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता, और एक बीमारी होती है दूर दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता, तो इनके उपचार के लिए क्रमशः अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट, निकट मतलब आव, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दूर उ आ रहा है तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो पूछा जा रहा अभिन्दुकता, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अभिन्दुकता की बीमारी के लिए और निकट दृष्टि दोष की बीमारी के लिए साथियों, इसके लिए निकट आव अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और एक और बीमारी है दूर दृष्टि दोष, दूर उ आ रहा है तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, बी तिब्बत में, सी चीन में, या डी नेपाल में। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा यह नेपाल में स्थित है। कहीं कहीं किताबों में 8,850 मीटर भी दे रहा है, तो ये लगातार पर्वत ऊपर उठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी भी स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा किसी भी स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है? ऑप्शन ए 45 डिग्री दक्षिण, बी 91 डिग्री उत्तर, सी 91 डिग्री पश्चिम, या डी 45 डिग्री पूरब। तो साथियों, आपको इन चारों ऑप्शन से बताना है कि कौन सा अक्षांशीय स्थिति सही रूप से लिखा गया है या हो सकता है। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है 45 डिग्री दक्षिण। साथियों, इसको ध्यान से समझिएगा, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण स्थानों को दिखाती हैं। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर उत्तर की दिशा में जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा में जो रेखाएं हैं उन स्थानों को दिखाती हैं अक्षांश रेखाएं। ये अधिकतम 90 डिग्री तक होती हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी है। अगर हम पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींचेंगे, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भूमि को मध्य से बांटती है, तो भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो इधर
उत्तर की दिशा हो जाएगी और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती है और नीचे की तरफ 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं। ऊपर की रेखाओं को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं तक कहते हैं और नीचे की रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे जो 90 डिग्री उत्तर की तरफ रेखा होगी उसको उत्तरी ध्रुव और जो नीचे 90 डिग्री दक्षिण पे होगा यहाँ पे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये रेखाएं एक एक अक्षांश होती हैं, उत्तर के उत्तरी अक्षांश, नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए ये ऑप्शन को अगर देखते हो तो ये सही है क्योंकि 45 डिग्री अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं दक्षिण दिशा में। तो पहले तो हो गया कि अक्षांश रेखाएं दक्षिण और उत्तर की तरफ ही होंगी, पूरा पश्चिम की तरफ नहीं होंगी, पूरा और पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाएं होती हैं। अब उत्तर दक्षिण दिशा में देखेंगे प्रश्न में आंसर। तो बी आंसर जो दिया है 91 डिग्री, अधिकतम अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री तक ही हो सकती हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब रही बात ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा हो सकती है। ये इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उत्तर दिशा में है लेकिन ये 90 से अधिक है, और सी और डी तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा में ना होकर पूरा पश्चिम दिशा में है। इसके बाद बात करते हैं प्रधान देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं के 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा होती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 ऐसे हो जाती है, ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90, और ये एक जीरो है तो 90 90 180 और एक 81 हो जाएंगे। और देशांतर रेखाएं 180 और 180 मिलकर 360 होती हैं, पूरब की तरफ 180 और पश्चिम की तरफ 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी उदारवादी अर्थव्यवस्था या डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। साथियों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।